हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य में स्थित कैमूर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैमूर जिला, यह जिला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक कैमूर जिला के नाम से जाना जाता है। कैमूर जिला पहले रोहतास जिले का हिस्सा हुआ करता था, बाद में कैमूर को रोहतास जिला से अलग कर दिया गया। इस जिले की स्थापना 1993 में हुई थी। कैमूर जिला बिहार के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। कैमूर जिले का हेड क्वार्टर ऑफिस भभुआ शहर में मौजूद है और कैमूर जिला पटना मंडल के अंतर्गत आता है। कैमूर जिला के दो पड़ोसी जिला हैं, रोहतास जिला और बक्सर जिला। ये मैं आपको बिहार के जिले का नाम बता रहा हूँ। कैमूर जिला में दो तहसील, एक लोकसभा, दो नगर पालिका, 17 पुलिस स्टेशन, 5 सरकारी कॉलेज, 2 मुख्य बिजली घर, 3 मुख्य सरकारी अस्पताल और 1700 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार के कैमूर जिले का कुल क्षेत्रफल 3332 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कैमूर जिला की कुल आबादी 16,26,384 है। इस 16,26,000 में पुरुषों की कुल आबादी 8,47,784 और महिला की कुल आबादी 7,79,116 है। कैमूर जिले का औसत लिंगानुपात 900 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुष पर 900 महिला हैं। कैमूर जिला में हिंदू धर्म की आबादी 89% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 9.5% है। कैमूर जिला के मुख्य नदी का नाम कर्मनाशा नदी व दुर्गावती नदी है। दुर्गावती नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 184 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 946 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। कैमूर जिला के मुख्य बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी है। यहाँ पर 90% लोग भोजपुरी बोलते हैं। इसके अलावा 7% हिंदी बोलते हैं और 2% उर्दू बोलते हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 और नेशनल हाईवे संख्या 30 गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार के बड़े बड़े जिलों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो कैमूर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम भभुआ रोड रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म शामिल है और इस रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड BBU है और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के मुगल सराय डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो बिहार का कैमूर जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ पर कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहाँ पर लोग घूमकर आनंद ले सकते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल में सुमार माँ मंदेश्वरी मंदिर, कैमूर बिल्ड लाइफ सेंचुरी, तेलहर वाटरफॉल, तेलहर कुंड, करकट वाटरफॉल, रामगढ़, धुरौली आदि नामों से लोग काफी वाकिफ हैं। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े
स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: भूपेश गुप्त इंटर कॉलेज, SSS महिला कॉलेज, दीप नारायण यादव कॉलेज, मोहम्मद अली कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, भगवती सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज, SM कॉलेज। ये सभी स्कूल व कॉलेज कैमूर जिला में मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिला में 3 मुख्य सरकारी अस्पताल हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं जो कि यहाँ के लोगों को अपनी सेवा देते हैं। यहाँ के मुख्य अस्पतालों में शुमार रंजना हॉस्पिटल, बाबू शिव गोविंद हॉस्पिटल, त्रिपाठी हॉस्पिटल, कुंद्रा जन सेवा हॉस्पिटल, RS हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।